उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हुआ है। आधा दर्जन से भी अधिक लोगों ने युवक पर हमला किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुए हैं। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाकूबाजी की ये घटना हुई थी, जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा है। अब घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये चाकूबाजी की घटना। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर हमला किया। कारण क्या है फिलहाल सामने नहीं आई है। कोई आपसी रंजिश, पहले का कोई मामला, लड़ाई झगड़ा, क्या वजह रही फिलहाल ये सामने नहीं है। लेकिन जो युवक घायल है उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज उसका चल रहा है। पुलिस ने उससे भी पूछा है वो जान पहचान के लोग हैं या कौन, दुश्मनी पहले से चल रही थी। वो तमाम जांच और पूछताछ चल रही है। धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ मामला ये सामने आया है? जी बिल्कुल, उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना इलाके का मामला है, जहां पर करीब 6 से 7 जो लोग थे उन्होंने एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमला करने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने युवक को संभाला और संभालते हुए महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेके पहुंचे, जहां पर युवक का जो है घायल युवक उसका इलाज चल रहा है। वही हमलावर जो थे वो अभी फरार हो चुके हैं। पुलिस ने शहर के अंदर जगह जगह वायलेंस कर हमलावर को पकड़ने के लिए जो है वो टीम गठित कर दी गई है और लगातार हमलावर को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी युवक का जो है इलाज, घायल युवक है जिसको चाकू लगा है उसका इलाज जो है वो यहाँ पर जारी है। प्रथम दृष्टया अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि किस कारण से ये हमला जो है वो युवक पर किया गया है। धीरज, युवक ने कुछ बताया है कि क्या वजह रही है, कौन ये लोग हैं, कोई पहचान उसने की है? जी बिल्कुल, अभी युवक जो गंभीर रूप से घायल था उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस जो है वो सभी एंगल से जांच करने में लगी हुई है। वहीं युवक से पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा कि किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, क्या कारण रहे जिस कारण से अचानक हमलावरों ने इसके ऊपर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।